गुड मॉर्निंग क्लास, हेलो स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स क्लास। देखो बेटा, लार्ज डिस्टेंसेस हम एक्सप्लेन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। कल हमने लार्ज डिस्टेंसेस के लिए क्या पढ़ा था, मून की डायमीटर कंसीडर करना। लास्ट थर्ड पॉइंट है इसका, ये थर्ड पॉइंट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन और इको मेथड। रिफ्लेक्शन और इको मेथड, ये थर्ड मेथड है। फर्स्ट हमने पढ़ा पैलेक्स मेथड, जो अर्थ के सरफेस से किसी भी स्टार की डिस्टेंस मेजर करता है। सेकंड हमने पढ़ा कि कोई भी अर्थ से मून है या स्टार है उसकी डायमीटर कंसीडर करना अर्थ पे बैठे बैठे। और थर्ड हम पढ़ रहे हैं वो है इको मेथड। इको मेथड को थोड़ा समझते हैं। जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं, हम आवाज लगाते हैं तो वो आवाज रिफ्लेक्ट होके और हमारे पास आती है इको साउंड के फॉर्म में। वही मेथड यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो हमें साउंड रिफ्लेक्ट करके सुनाई देता है इको के फॉर्म में, तो हमें जब हम घर पे रहते हैं कमरे में बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्शन जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे को सुनाई क्यों नहीं देता, उसका भी हम जवाब तलाश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझना है। तो पहले एक डायग्राम से इसको समझते हैं, क्लियर है। देखिए यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका हिल स्टेशन पे आप जो ये पहाड़ी है, ये आपकी लेट अस कंसीडर इस पहाड़ी से डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, ये हिल है और यहां ऑब्जर्वर या हम कह सकते हैं साउंड इमिटर कोई है। ये जैसे ही यहां से आवाज लगाएगा तो साउंड इस फॉर्म में वेव फॉर्म में चलता है, यहां पहुंचेगा और पहुंचकर वापस इसको इको की फॉर्म में सुनाई देता है, क्लियर। तो इससे इस मेथड से होता क्या है, इससे भी हम लार्ज से लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि यहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो ये डिस्टेंस जो लार्ज डिस्टेंस है जिसको हम किसी भी फीते से इंची टेप से नहीं नाप सकते, मेजर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, कैसे मेजर करें, तब इस जो रिफ्लेक्शन मेथड है इस रिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। ध्यान से समझेंगे कि यहां से यहां तक का साउंड कितना डिस्टेंस कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही इस यहां से बोलेगा आवाज लगाएगा तो आवाज क्या करेगी, यहां तक जाएगी पहाड़ी तक, ठीक, फिर वापस आएगी इसको सुनाई देगी। इसी मेथड से हम इसकी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं कि यहां से इस पहाड़ी की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, हमने एट्थ में नाइन्थ में टेंथ में फॉर्मूले पढ़े हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है उसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल, क्या फॉर्मूला था आपने एट्थ में पढ़ा है, डिस्टेंस बाय टाइम, सबको पता है, सबको याद है, ठीक। अब देखिए बेटा साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं, ये एयर में, कहां पे एयर की बात कर रहे हैं, एयर में जो साउंड की वेलोसिटी है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट 340, कैलकुलेशन के लिए 340 भी यूज कर सकते मीटर पर सेकेंड। किसमें है साउंड की वेलोसिटी, एयर, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास नोन है तो यहां पे वेलोसिटी हमें नोन है साउंड की, टाइम यहां से और यहां गया और फिर वापस आया
उसका साउंड जो टाइम है वो टाइम हम मेजर कर सकते हैं. तो वेलोसिटी लेट अस कंसीडर बी इज इक्वल टू डिस्टेंस. यहां से ऑब्जर्वर से जो हिल है इस हिल की डिस्टेंस क्या है x. सो x अपॉन टाइम लेट अस कंसीडर t. क्लियर. रियलिटी में ये फॉर्मूला अभी राइट नहीं है. ये बताइए क्या डिस्टेंस x है? नहीं. डिस्टेंस क्या है? यहां से साउंड यहां पहुंचेगी और पहुंचने के बाद यहां से वापस आएगी. भाई रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मेथड है, तो साउंड यहां से यहां आई है और यहां से वापस जाएगी. तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की x को आने में और x ही रिफ्लेक्ट होकर जाने में. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2x. अरे पता लगा 2x कैसे हुआ? x को यहां से यहां जाने में और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके इको के फॉर्म में इसको सुनाई देगी इस ऑब्जर्वर को, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 2x. हमें क्या कंसीडर करना है? हमें डिस्टेंस कंसीडर करनी है, साउंड की वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो 2x is equal to, this implies, is equal to v into t. Okay, so what is x? So x is equal to v into t by 2. Clear? ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ इको मेथड. ठीक है, इससे हम किसी भी लार्ज डिस्टेंस को, हम यहां पे पहाड़ियां हमारे से बहुत दूर होती है, उसकी हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि भाई जैसे हम रूम में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें रिफ्लेक्ट होकर साउंड क्यों नहीं सुनाई देता, पहाड़ियों में देता है. तो देखिए टाइम जो है वो 0.1 सेकंड से अगर ज्यादा है, टाइम कितना है 0.1 सेकंड से अगर ज्यादा है साउंड को ट्रेवल करने में उतना टाइम लग रहा है तो हमें इको सुनाई देगी वरना सुनाई नहीं देगी. चेक करते हैं कि इको के लिए कितनी डिस्टेंस पे खड़े हो कि हमें इको सुनाई दे. देखिए वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देखें, थोड़ा सा रफली कैलकुलेट करते हैं, रफली कैलकुलेट करें. तो देखो यहां कर देता हूं मैं, एक्स इज इक्वल टू v वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी 340 रख लेते हैं, ये 343 है, 340 रख के सिंपल सी एक रफली कैलकुलेशन करते हैं. 340 इनटू टाइम कितना ले लेते हैं 0.1 सेकंड, इसको लगना चाहिए 0.1 अपॉन 2. क्लियर, कैलकुलेट करेंगे. देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 जीरो, कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या जाएगा बेटा, हमारे पास यहां पे सॉल्व कर जाएगा x इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई 0.1. पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक बाय पॉइंट का वर्ड और जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल. सो x इज इक्वल टू 17 मीटर. क्लियर. इस अब यहां पे हमारा आंसर आ गया. देखो जब हम 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट से रहेंगे तो हमें इको सुनाई देगी. क्लियर है ना? इको कब सुनाई देगी? जब 17 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस पे रहेंगे. क्या हम घर में रहते हैं तो हमारा साउंड रिफ्लेक्ट होकर दीवारों से क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कितनी डिस्टेंस पे हैं? 17 से कम डिस्टेंस पे हैं, और 17 से कम पे हैं तो हमें साउंड का इको सुनाई नहीं देगा. तो इसका मतलब अगर आपको इको सुनना है तो उसके लिए क्या करना है? आपको कहां खड़ा होना है? 17 मीटर डिस्टेंस पे. ठीक है, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा. 0.1 क्या है? 0.1 सेकंड है ये टाइम साउंड को ट्रेवल करने में कम से कम टाइम है, इतना टाइम होना चाहिए तभी रिफ्लेक्ट होके हमें इको सुनाई देगा. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम रिफ्लेक्शन मेथड से भी लॉन्ग डिस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. क्लियर है? तो फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ लेना, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कल वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, वो है एरर का, ठीक है? कल हम एरर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।